नमस्कार, मैं द्विजेश उपाध्याय संगीत नृत्य एवं कला प्रदर्शन विभाग मानविकी विद्या शाखा की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज संगीत के अंदर जो अवनद्य वाद्य है तबला, उसकी बहुत ही एक महत्वपूर्ण रचना है कायदा, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कायदा जैसे आप हर एक जो संगीत है उसमें अपनी एक रचनाएं होती हैं, तो इसी तरीके से जैसे हमने पूर्व के व्याख्यान में आपको बताया था कि तबला वाद्य है उसकी एक अपनी भाषा होती है और उसके वर्ण होते हैं, उसके बोल होते हैं, तो जब हम इसकी भाषा की बात करते हैं तो भाषा और साहित्य के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना होती है कायदा। तो जैसे बहुत सी रचनाएं हैं उनमें से कायदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं होती है, और इसका प्रयोग जो होता है वो हम चाहे एकल वादन की बात करें या हम संगत की बात करें, दोनों में ही प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः रचना जो है बजाई जाती है वो एकल वादन में देखने को मिलती है। और जब हम इन रचनाओं की बात करते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जितनी भी तबले की रचनाएं हैं उनमें जो भी बोलों का प्रयोग होता है और हम जो भी बोलों की निकासी होती है या जो भी हम बोल सीखते हैं उसको हम जो विद्वान लोग होते हैं उसको कायदे का रूप दे देते हैं। और कायदे का रूप देखने से उसमें क्या है कि जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो हमारा जो बोल है, जो वर्ण है, वो उसकी निकासी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है और हम उसमें जिसे हम कहते हैं कि बहुत हमारा हाथ अच्छे से चलने लगता है। ये इसलिए कायदा एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अब जैसे हम बात करते हैं शाब्दिक के आधार पर, जैसे कायदा जब हम शब्द कह रहे हैं तो जब हम शाब्दिक अर्थ के हिसाब से जब बात करेंगे तो उसका होता है कि कोई एक विशेष तरीका या कोई एक ढंग जो नियमबद्धता के साथ हो और जिसका पालन करना, उसमें जो नियम है उसका पालन करना अनिवार्य है, उसको हम कायदा कहते हैं। या हम कहें कि एक कोई ऐसा तरीका जिसमें जो प्रतिबंध नियम हो उसको हम कायदा कहेंगे कि ये एक इस कायदे कानून के हिसाब से आप चलेंगे या इस कायदे कानून के हिसाब से आप ये कोई चीज़ बजाएंगे, तो शाब्दिक अर्थ के हिसाब से ये चीज़ें हमारी आती हैं। अब जब हम विशेष रूप से संगीत के अंतर्गत तबला वाद्य की बात करते हैं तो जो तबले के विद्यार्थी हैं और जो संगीत के विद्यार्थी हैं, तो जब हम वर्ण और बोलों में थोड़ा हम ये देखते हैं कि विद्यार्थी को जो उसके हमने आपको 10 वर्ण बताए मुख्य रूप से जो बजाए जाते हैं और उनसे जो निर्मित बोल हैं, जब बच्चे के हाथ में, विद्यार्थी के हाथ में वो बोल आ जाते हैं या उनके उंगलियों में वो चीज़ें सही जगह पे उससे ध्वनि उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद उनकी अच्छे से हमारा अभ्यास के लिए हम जितने भी संगीत में परंपरा चली है उसमें ये होता है कि उन बोलों से जो शुरुआती बोल होते हैं जो विद्यार्थी शुरू में हम सिखाते हैं उनसे हम कायदा बनाते हैं। और उससे क्या होता है कि कायदा जब हम उनको बताते हैं तो उससे उनके हाथ का रख रखाव और उसके जो बोल की जो निकासी होती है सही होती है। और उसमें जैसे एक कहावत भी है, विद्वान कहते हैं कि कायदा बजाने से हाथ कायदे का हो जाता है, यानी कि अगर जो भी हम अभी आपको बताएंगे कायदा, तो अगर हम वो कायदा, जब हम कायदा बजाते हैं तो हाथ कायदे का हो जाता का अर्थ ये है कि जो हमारा, क्योंकि उसमें नियम है, नियम होने से क्या होगा कि हम कहीं भी भटकेंगे नहीं और हम उसी के नियम का पालन करते हुए हम उस चीज़ को बजा रहे होते हैं, तो हमारा हाथ कायदे का, यानी कि हमारा सही दिशा में हाथ जाता है और जितने भी हम बोल बजाएंगे उनकी निकासी सही होती है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं कि जब रचना के ऊपर हम आते हैं तबला वाद्य की, तो इसमें से ये शुद्ध रूप से जो है कि ये तबले की रचना है। जैसे और कुछ रचनाएँ हैं, जैसे हमारा परन है या हमारे गत है या हमारा रेला है, ये एक तरह से देखा जाए तो शुद्ध रूप से आपकी तबले की रचना नहीं है, क्योंकि पखावत से भी कुछ चीज़ें हमारे पास आई हैं, अवनद्य वाद्य जो पहले तबले से पूर्व में जो अवनद्य वाद्य था पखावत उससे आई हैं, लेकिन जो कायदा बनाया गया है वो शुद्ध रूप से तबले की रचना है। और इसमें विशेष रूप से जब इसकी बात हम करते हैं तो इसमें तबले के जो आपके वर्ण हैं और बोल हैं उन्हीं का ही मिश्रण से, उन्हीं के मिश्रण से ये कायदे की रचना होती है। और एक मुख्य रूप ये हम जब बात देखते हैं, और जैसे
तबले में बहुत सी जो ताले हैं, ये रचना ऐसी है ये किसी ताल में ही निबद्ध होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब जब हम कायदा जब निर्माण हुआ, जब विद्वानों ने कोई कायदा बनाया, या हम लोग भी जो संगीत के शिक्षक हैं या कोई विद्यार्थी भी आगे चल के जब अपना बनाता है, तो उनमें विशेष रूप से जो बातें होती हैं, जो विद्वानों के द्वारा बताई गई हैं, जो परंपरागत रूप से हमें सिखाई जाती हैं, उसमें ये होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि वो किसी ना किसी ताल में निबद्ध होगा। तो जो ताल का स्वरूप होता है, और ताल के स्वरूप से हम ये समझ रहे हैं कि जैसे उसका ताली खाली, उसके विभाग, उसके अनुसार, उसके अनुरूप हमारा कायदे की रचना की जाती है। दूसरी बात ये होती है कि कायदा दो तरीके से बजाया जाता है। दो तरीके से का मतलब है कि जैसे हम एक बजाते हैं दो लाइन का कायदा, और एक होता है चार लाइन का कायदा। इसको हम आगे आपको बताएंगे कि दो लाइन का कायदा और चार लाइन का कायदा कैसे कैसे बजाया जाता है। और जब हम कायदा बनाते हैं, तो चाहे वो दो लाइन का कायदा आपको दिख रहा हो या चार लाइन का कायदा दिखता हो, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि एक भाग जो होता है हमारा भरा भाग होता है, एक हमारा खाली भाग होता है। तो ये दोनों में ही आप चाहे दो लाइन का कायदा बताएं या चार लाइन का कायदा बताएं, तो इसका जो स्वरूप होता है वो आपको देखने को मिलेगा। और जब हम कायदे का वादन जब हम करते हैं किसी भी ताल में, तो उसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि हम उसको पहले क्या करते हैं कि उसको हम था से शुरू करते हैं। पहले हम उसकी ठा बजाएंगे, ठा यानी कि एक गुण, फिर उसके बाद हम उसको दुगुन बजाएंगे, उसके तिगुन बजाएंगे, चौगुन बजाएंगे। ये सब अपनी हम क्षमता अनुसार उसको बजाते हैं। कि कुछ लोग अभी जब शुरुआत होती है तो पहले हम ठा से उसका अभ्यास करते हैं, फिर थोड़ा हाथ हमारा उसमें आने लगता है, हम उनको जो उसके बोल होते हैं हमारे हाथ में आने लगते हैं और उसको बजाना शुरू करते हैं, और हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है, अभ्यास अच्छा होता है, फिर हम उसकी दुगुन की ओर जाते हैं, फिर हम क्षमता अनुसार उसको तिगुन और चौगुन की ओर को भी ले जाते हैं। और जब कायदे का हम जब था दुगुन चौगुन हम दिखाते हैं, उसके बाद कायदे का विस्तार के रूप में आप देखते होंगे कि कुछ कायदों की जो लाइन है उससे अलग हटके एक लाइन बसती है, जिसको हम कायदे का विस्तार कहते हैं, उसको हम पलटा कहा जाता है। अब होता क्या है कि पलटा इसमें, जैसे हमने आपको पूर्व में बताया कि कायदा सबसे ज़्यादा नियमबद्ध रचना होती है, तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब हम भी कायदे का विस्तार करते हैं, जिसको हम पलटा कहते हैं, तो पलटा के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो कायदे के निर्माण में हमारे जो तबले के वर्ण और बोलों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम उस पलटे में प्रयोग करते हैं। और पलटा मतलब ये होता है कि उन बोलों को हम पलट के या आगे पीछे करके हम किसी कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन वो कॉम्बिनेशन भी ऐसा होना चाहिए कि एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य के रूप में भी वो एक ऐसी चीज़ दिखनी चाहिए कि जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है वो सुनने में अच्छा लगे। तो इन सब वर्णों के आधार पर और उन्हीं वर्णों और बोलों के आधार पर जिन वर्णों और बोलों से कायदे का निर्माण हुआ है, हम पलटे का निर्माण करते हैं। और कभी कभी ये देखने को मिलता है कुछ कलाकार कि जो आकर्षण पैदा करने के लिए वो कलाकार ये करते हैं कि जो उसमें वर्ण या हमारे बोल प्रयोग किए जाते हैं उनसे थोड़ा सा हटके भी कुछ बोलों को या वर्ण को प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमने आपको एक कायदा बताया, धागे ना धागे ना धागे, धागे ना धागे ना, तीना ताके ना ताके ना ताके, धागे ना धागे ना धीना। इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमने अभी शुरुआती दौर पर आपको सिर्फ दो लाइन का कायदा बताया है। तो इसमें आप देखते हैं कि स्पष्ट रूप से जितनी भी हमने आपको बातें बताई कि ये बिल्कुल शुरुआती कायदा है, कि आपने शुरुआत में पहले ता धा गे आपने सारे वर्ण सीखे हैं, और इन्हीं वर्णों से मिलकर एक एक कायदा बहुत प्रचलित कायदा है, ये हमने आपको एक कायदा बताया। और अब उन्हीं वर्णों का हमने और बोलों का प्रयोग किया, और फिर आपने देखा कि ये तीन ताल में निबद्ध है। फिर एक बात आपने और देखी कि जो हमने ये आपको कायदा बताया है, ये दो लाइन का कायदा है, ऐसी अगर हम इसको चार लाइन का बजाएंगे तो हम कैसे बजाएंगे, धागे ना धागे ना धागे, धागे ना धागे ना धीना, धागे ना धागे ना धागे, धागे ना
धागे नाती ना ताके ना ताके ना ताके ताके ना ताके नाती ना धागे ना धागे ना धागे धागे ना धागे ना धीना। इस प्रकार से आपने देखा कि दो लाइन का हम कायदा बजाएं या चार लाइन का कायदा बजाएं तो उसमें होता क्या है कि एक भाग आपको भरा मिलेगा, एक भाग आपको खाली मिलेगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब दो लाइन का बजा रहे हैं और चार लाइन का हम कायदा बजा रहे होते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ से खाली और भरी भाग को हम उसको डिवाइड हम कैसे करते हैं। इसके बाद जब हम पलटा बजाएंगे तो पलटा में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो हम चीज़ बजा रहे हैं उसको भी हम दो प्रकार से हम पलटा बजाते हैं। कि जैसे हमने एक आपको बताया कि पहली लाइन हम क्या बजाएंगे कायदे की, ठीक है, जैसे हमने आपको एक कायदा बजाया तो हमने कहा धागे ना धागे ना धागे धागे ना धागे ना धीना। तो ये कायदे की पहली लाइन हो गई जो हम पहले स्टाइल से एक प्रकार का जो हमारा हम कह रहे हैं कि इसको एक एक प्रकार का हम जो पलटा बजाने का जो तरीका है उसमें हमने पहले कायदे की लाइन बजाई, फिर पलटे की लाइन में हमने कुछ जो उसके बोल या वर्ण है उसको लेते हुए चला, लेकिन उस पलटे की लाइन में भी कायदे की एक टेक रहती, यानी कायदे कुछ बोल पीछे से वैसे ही रिपीट होते हैं, कहीं पर ये रिपीट होते हैं कहीं पर रिपीट नहीं भी किए जाते हैं, ये भी एक स्टाइल है। तो अगर हम उसका पलटा बनाएंगे तो हम कहें धागे धीना धागे धीना, ये हमने पलटे की आपको लाइन बताई। और कायदा हमारा क्या है, धागे ना धागे ना धागे धागे ना धागे ना धीना। तो ये हो गया, और धागे धीना धागे धीना धागे ना धागे ना तीना। तो ये पलटे की लाइन हो गई। और जब तीसरी बजेगी तो वो ताके ना ताके ना ताके ताके ना ताके ना तीना धागे धीना धागे धीना धागे ना धागे ना धीना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये एक पलटा बजाने का तरीका है। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो पलटे की लाइन है उसको पहले बजा लें, फिर हम कायदे की लाइन बजा लें, तीसरा हम पलटे की लाइन बजा लें, और अंतिम चौथी लाइन है हम उसको फिर कायदे की बजा लें। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी पलटे के रूप में बजाई जाती हैं। और पलटा हमेशा ये होता है कि जब हम कायदे को ठा में बजाएंगे उसके बाद दुगुन बजाते हैं, दुगुन के बाद हम उसको पलटा बजाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि लय दिखाने के लिए कुछ कुछ कलाकार उसको ठा दुगुन तिगुन चौगुन तक बजाते हैं, उसके बाद उसका विस्तार पलटे के रूप में करते हैं। और इसके बाद जो कायदे में जो समापन किया जाता है तिहाई, जैसे हम जानते हैं तिहाई के बारे में हम आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन तिहाई मुख्य रूप से उस जो रचना है उसको एंड करने के लिए, उसका अंत दिखाने के लिए एक तिहाई हम प्रयोग करते हैं। और उसमें जो कायदे के बोल होंगे उनका ही प्रयोग करते हुए, और उसमें कॉम्बिनेशन में हमें ये होता है तिहाई कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक हम जो लाइन लेंगे हम उसको तीन बार वैसे बजाएंगे और लास्ट में वो सम पर आ जाएगा। धा के साथ कहीं बसता है, कहीं बिना धा के भी वो चीज़ें बसती हैं, तो इस प्रकार से हम उसकी एक तिहाई बना देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से तिहाई बनाने में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब हम आप कायदे की तिहाई बना रहे होते हैं तो ये भी घराने के अनुसार कुछ घरानों में अलग तरह से चलती है, कुछ घरानों में अलग तरह से चलती है। तो जैसे आप 16 मात्रा में कोई तिहाई बना रहे हैं तो एक तरह से ये मानना होता है कि जब आप कायदे की तिहाई बजा रहे हो तो 16 मात्रा के अंतर ही खत्म हो जानी चाहिए, मतलब एक आवर्तन में वो तिहाई आ जानी चाहिए। कहीं कहीं कुछ ऐसा होता है जैसे माना ये लखनऊ घराना और यहाँ ये डांस से प्रभावित है, तो यहाँ कुछ बड़ी बड़ी तिहाइयाँ बनाने का भी प्रचलन आप देखते हैं। अब जब तिहाई हम बनाएंगे तो तिहाई में इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप इसकी तिहाई कैसे बनाएंगे। तो जैसे हम तीन ताल का अभी हमको उदाहरण दे रहे हैं तो 5.5 मात्रा का एक पल्ला बनेगा। जैसे आपको बताया हमने तिहाई में तीन पल्ले बनते हैं और तीन पल्ले में वही एक जो पल्ला बज रहा है वैसे ही वो तीन बार बज के सम पे आएगा धा के साथ। तो इसमें जैसे हमें धागे ना धागे ना धागे धागे ना धागे ना धीना, तो
अगर हमारा ये एक कायदा है तो धागे ना धागे ना, अब तिहाई हम उसको ठाम में नहीं बजाते हैं, जिस लय से हम उसके बाद हम आपको दुगुन में हम उसको लेके चलते हैं और दुगुन में हम उसकी तिहाई बजती है कि जैसे हमने ठा बजाई, दुगुन बजाई, उसके पलटे बजाए और वो दुगुन उसी लय में हम उसका तिहाई बजाते। तो धागे धागे ना धागे ना धागे धागे ना धागे ना धीना धा ता धा धागे ना धागे ना धागे धागे ना धागे ना धा ता धा धागे ना धागे ना धागे धागे ना धागे ना धीना धा ता धा। तो इस जो ये कायदा हमने आपको बताया उसकी जो तिहाई है उसका तीन पल्ले में वो चीज़ डिवाइड है और प्रत्येक पल्ला 5.5 मात्रा का आता है, इस प्रकार से उसकी रचना की जाती तिहाई की। और कायदे भी हमारे विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये शुरुआती कायदा है हमने आपको जो बताया है, इसके बाद जैसे जैसे विद्यार्थी अभ्यास करते हैं और आगे बढ़ता है अलग टाइप के उसको कायदे बजाए जाते हैं, और जब हम उनको अलग अलग प्रकार के कायदे बताते हैं तो उसमें विशेष तौर से ये देखने को मिलता है कि जो घरानों की बात हमने करी है कि तबले के 6 घराने हैं, तो कुछ घरानों में विशेष रूप से आप देखने को मिलता है कि आपको जो दिल्ली घराना है या दिल्ली से निकले जो घराने आपको वैसे दिखेंगे कि जैसे अजराड़ा है तो वहाँ कायदे थोड़े छोटे होते हैं अपेक्षाकृत। वैसे ही जो अगर लखनऊ और आप इधर बनारस और इधर साइड के आप कायदे देखते हैं तो वहाँ थोड़ा उनसे अपेक्षाकृत थोड़े बड़े कायदे बसते हैं। और जैसे कुछ जो बोल होते हैं या जो लय होती है उनसे भी हमको कायदे के बारे में समझ में आता है कि ये कायदा किस घराने से होगा। कि जैसे अगर आप ज़्यादातर देखेंगे कि अगर वो तिश जातीय कायदा बज रहा है तो वो कुछ अजराड़ा घराने की बहुत ही विशेषता रही है कि उसमें तिश जातीय कायदे आपको बहुत देखने को मिलते हैं। और फिर उसमें ये होता है कि बोलों को बजाने का तरीका, वो अगर तिट ही बज रहा है तो तिट कैसे बज रहा है। अगर आप ज़्यादातर अगर बजाएंगे जैसे धा तिट एक कायदा है दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध कायदा है, धा तिट धा तिट धागे दीना गेना, तो जब एक कायदा बजेगा तो आपको उसको बोल बजाने के तरीके से भी आपको पता चलेगा कि तिट अगर प्रयोग ऐसा हो रहा है तो ये आपका दिल्ली और अजराड़ा का मेन आपको इसमें उसको देखने का मिलेगा कि भैया ये दिल्ली और अजराड़ा के अंग से बज रहा है। और अगर यही कायदा हम लखनऊ के हिसाब से बजाएंगे, क्योंकि लखनऊ में तिट का प्रयोग हम ये इस पहले तो हम दो उंगलियों और ये तीन उंगलियों के प्रयोग से हम तिट बजाते हैं, और दूसरा अगर हम इसको ऐसे बजाएं कि जैसे हम लखनऊ में प्रचलन है कि तिट को हम उल्टा भी बजाते हैं धा तिट, तो वहाँ पे अगर एक कायदा इस लखनऊ अंग से बजेगा तो ऐसा बजेगा धा तिट धा तिट धागे तीना केना ता तिट तिट धागे धीना गेना। तो ये कुछ बोल है, कुछ बजाने का तरीका है, कुछ लयकारियाँ हैं, तो इससे भी हमें उस घराने का या कुछ विशेष जो घराने हैं उनका हमें पता चलता है कि ये इस घराने का कायदा है। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा करी जो तबला वाद्य की महत्वपूर्ण रचना है कायदे की, इसी तरह की हम और भी जो रचनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।